सत श्री अकाल जी। अज आप बनावांगे आलू ते बाथू की भुर्जी। आ देखो आपां एक कटोरी आलू ले जी, तीन आलू ही धो के चंगी तरह उन्होंने छिल के कट लिया मैं जी, तो बोल च पा ले। तो आ देखो जी आपां चार गुच्छियां लैंदियां बाथू दियां, आ देखो। तो आपां इन्हां नूं चंगी तरह साफ करके चंगी तरह इन्हां नूं धो लिया, धो के तो मैं कट ले। तो आ थोड़े जिहे रह गए कटण वाले, हुण मैं कटदी हाँ बाद विच। तो इहदी जी आपां वधिया जी अज भुर्जी बनावांगे आलू ते बाथू दी। तो यह वेखो जी आलू ते बाथू दी भुर्जी दी रैसपी। मसाले नमक, आ नमक लिया जी एक चमचा, एक लाल मिर्च लई दरदरी कुटी हुई, आ दरदरा कुटिया होया धनिया आ, ते आ जी एक चमच हल्दी दा, ठीक है जी। तो यह देखो तड़के दा समान है, आप दो प्याज कट ले मोटे मोटे, है आप लिया एक चम्मच राई दाना, दो लिया तड़का मिर्च, एक लई दो तीन लिया हरिया मिर्चा लंबी लंबी कट्टिया हुई। हूँ आप जी लावे सरों के तेल का तड़का, तो गैस मैं पहले ला ली सी। तो देखो जी आप हूँ पाइए तेल एक कड़छी, सरों का तेल आप जी सरों के तेल का तड़का लावे राई का। यह देखो जी आप एक चम्मच राई पाती है, राई दाना, तो राई दाना चटक गया। आप हूँ पाइए जी बिच है तड़के वाली मिर्च लाल, तो आप नाल ही पावे जी हरी। हूँ इन्हों अद्धा मिनट पकावे जी। अपनी तड़के वाली मिर्च भी भुज गई है, हरिया मिर्चा भी भुज गई चंगी तरह। आप हूँ पावे जी प्याज कट्टे हुए। देखो जी आप जो भी भुर्जी बनानी है उदो भी आप लंबे लंबे प्याज कट्टे, थोड़े मोटे कट्टे, तो ये बहुत वधिया मतलब कि भुर्जी वधिया बनती है। तो आ देखो जी आप हूँ इन एक मिनट पकावे, तो उस तो बाद आप ही आलू फ्राई करा। देखो जी अपने प्याज हो गए थोड़े जे, आप हूँ पावे बिच आलू, तो आलू नू भी आप पाँच मिनट फ्राई करांगे नाल ही जी प्याज दे, ठीक है जी। आप हूँ इनू आलू नू पाँच मिनट फ्राई करके फिर मैं तुहानू दसां। आलू पाँच मिनट पकावे जी आलू तड़के बिच, तो उन्ना चिर आप थोड़ी जी अपने बाथू दी टाणियां कट लीए। लो जी आप बाथू की कटिंग कर लीए, थोड़े जहा बाथू की हो जाएंगे। आ देखो जी अपने आलू भी प्याज के नाल ही तड़के से भुज गए हैं जी। हूँ आप पहले नंबर पर पावे जी मसाले। आ देखो जी नमक हल्दी तो दरदरी कुटी हुई मिर्च, तो दरदरा ही कुटिया हुआ धनिया, ये सारे मसाले दरदरे कुटे हुए पाने जी, तो बहुते मसाले नहीं पाने। आप हल्दी देव हल्दी इस करके पावे आलू नूं कलर देने वास्ते, तो आप हूँ सारे मसाले पा दिए। देखो जी आप मसालों का फ्लेवर वेखो कि दसना आलू तैयार है जी। आप हूँ नाल ही पाइए जी अपना कटिया होया बर्फू, ये नाल ही बर्फू भी फ्राई हो जूगा चंगी तरह जी। भुर्जी एन बढ़िया टेस्ट कटिया होया बर्फू बिच पाता, हूँ आप बर्फू में भी नाल ही मसालों के आलू के तेल में चंगी तरह फ्राई करांगे जी, तो वधिया तरह भुर्जी पका के वधिया तरह बनावांगे जी। तो हुण इह भुर्जी ने पाँच क मिनट लेगी जी बनने विच, तो उस तो बाद मैं तुहानू दस्सदी हां। आ देखो जी आपां हुण भुर्जी दे पानी नहीं पाना बिल्कुल इहदे विच, सिर्फ इहनू हुण तेल विच ही भुनना आपां, तेल विच ही फ्राई करनी है, ठीक है जी। देखो जी हुण आपां इहनू भुर्जी नूं पाँच मिनट पकावांगे जी, उस तो बाद मैं तुहानू दस्सदी हां। आ देखो जी अपनी बाथू दी भुर्जी ते आलू दी बहुत वधिया तरीके नाल बन के तैयार हो गई है जी। तो आप हुण इहनू अपनी ट्रे विच सर्व करिए जी।
देखो बहुत सोहनी बनी है जी, खुशबू बड़ी सोहनी आ रही है। एन इन तेल च पकाया वधिया तरह, हुण आपां इहनू अपने ट्रे च पाईए जी। अपनी आलू ते बाथू दी भुर्जी पंजाबी स्टाइल च बन के बिल्कुल वधिया तरीके नाल तैयार हो गई है जी। तो बड़ी जी सौखी रैसपी है, तो तुसीं भी बना सकते हो। तो जी भुर्जी बहुत वधिया टेस्ट बनी है, खाण च भी टेस्ट आ। तो बनाओ तुसीं चंगी तरह इहनू प्यार नाल हरियां सब्जियां नूं, तो बना के परांठे नाल भी खा सकते हो, तुसीं चपाती नाल भी खा सकते हो। तो बना के खाओ तो इंजॉय करो। तो मेरी वीडियो नाल ही जी लाइक करो, शेयर करो, नाल ही मेरे चैनल नूं वध तों वध सबसक्राइब करो जी। धन्यवाद, कल फिर मिलांगे नवी वीडियो नाल, नवी रैसिपी नाल। सत श्री अकाल जी, थैंक यू।